अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज जिस बाइक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है जी 2021 हुंजा। तो आज मैं आपको इसकी प्राइस स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे चाइनीज़ बाइक से सस्ते में ये बाइक आपको मिल सकती है आपके किसी भी शोरूम, आम से शोरूम से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है आपने। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके ग्राफिक के बारे में ताकि आपको इल्म हो जाए कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले आप इसके टैंक और स्टिकर ग्राफिक की बात कर लेते हैं। तो ग्राफिक आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे हैं और हुंजा वाजिए तौर पर लिखा गया। अगर हम देखें होंडा के लोगों को तो उस पर एक पर होता है ईगल टाइप का और इस पर दो पर हमें मिल जाते हैं, हुंजा लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके अलावा इसके ग्राफिक की मज़ीद डिटेल आपको बताता चलूँ तो ग्राफिक में हमें जो है ऑरेंज कलर ज़्यादा मिलता है। इसके मिक्स कलर हैं, इसमें तीन चार कलर मिक्स हैं, ब्लू है, कुछ नेवी ब्लू, कुछ ऐसे मिक्स से कलर हैं, वाइट कलर है। और अगर बात कर ली जाए इसके जो साइड कवर है टापा, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं टापे, तो उस पर जो HR70 लिखा हुआ और इसमें जो ऑरेंज कलर है ये रियल में भी कुछ इस तरह का लगता है और बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत प्यारा लगता है ये। ओपिनियन के मुताबिक अगर मैं इसके ग्राफिक की बात करूं तो ये एवरेज ग्राफिक मुझे लगा। आपने भी कमेंट में बताना है कि ये इसके ग्राफिक कैसे लगे। उसके बाद बात करते हैं इसके मीटर बारे, तो मीटर आप देख सकते हैं CD70 का जो प्रीवियस मॉडल था वैसा डिज़ाइन है अंदर से और बस लोगो आपको हुंजा का मिल जाता है। लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो लेफ्ट ग्रिप में वो तमाम फीचर्स हैं जो कि एक आम बाइक में होते हैं चाइनीज़ बाइक में, लाइट के, हाई लो के और हारन वगैरह के वही फीचर मिलेगा। इसके बाद अगर राइट साइड के ग्रिप की बात करें तो राइट साइड पे हमें कोई भी फीचर नहीं मिलता, बस सिंपल सा ग्रिप है और इसके अलावा हमें ना कोई किसी किस्म का कोई फीचर नहीं मिलता। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आप जानते हैं कि चाइनीज़ बाइक की जैसी बिल्ड क्वालिटी होती है वैसे ही इस बाइक की चाइनीज़ की बिल्ड क्वालिटी है। इसके अलावा इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस इसका अगर कलर देखा जाए तो चैन कवर वगैरह का डिज़ाइन वगैरह वही सेम है जैसे कि आम बाइक का होता है। इसके बाद अगर शॉक्स की बात की जाए तो शॉक्स आपको चाइनीज़ वाली स्प्रिंग वाली शॉक्स ही मिलेंगी, पंप ही नहीं मिलेंगी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके इंडिकेटर लाइट्स की, तो आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल एक दो साल से यही डिज़ाइन चल रहा है और हर चाइनीज़ का और CD70 का भी डिज़ाइन यही है इस इंडिकेटर लाइट्स का। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके हेड के बारे में, तो हेड आप जानते हैं कि इससे पहले एक प्रीवियस मॉडल मैंने एक कुछ दिन पहले एक मॉडल अपलोड किया है सुपरस्टार का, तो उन्होंने 90 cm कर दिया इसके हेड को, लेकिन फ़िलहाल इसका जो हेड है हमें वो 78 cm मिलेगा। और अगर एवरेज की बात की जाए तो इसकी एवरेज एस्टिमेटेड 45 से 50 के करीब हो सकती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है इसकी 8.5 लीटर है जो कि एक आम बाइक की होती है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आप जानते हैं कि फ़िलहाल अभी जितनी भी चाइनीज़ बाइक है उनकी 51,500, किसी की 54,500 प्राइस है, तो फ़िलहाल इसकी जो प्राइस है वो 46,500 प्राइस फ़िलहाल जो प्राइस है दिसंबर की वो बता रहा हूँ मैं आपको, 2020 की प्राइस बता रहा हूँ और ये मॉडल 2021 है, तो इसकी फ़िलहाल प्राइस 40,500 है। तो हो सकता है मे भी आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो चाइनीज़ बाइक होती है इनकी फ़िक्स प्राइस नहीं होती, हो सकता है मे भी ये 1-2 हज़ार आपको कम में भी मिल सकती है। ये डीलर की मर्ज़ी होती है कि वो अपने प्रॉफिट से आपको 1,000-2,000 कम करके भी ये बाइक दे सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस बाइक के बारे में पता चल गया होगा। तो आपने लाइक कमेंट और ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट में आपने ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।